हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं थीनिंग का प्रोसीजर कि थीनिंग कैसे करनी चाहिए और व्हाई थीनिंग इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट्स ग्रोथ। ठीक है, थीनिंग बेसिकली होती क्या है? थीनिंग हेल्प करती है हमारी प्रॉपर ग्रोथ में। ठीक है, तो थीनिंग हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ, रिड्यूसिंग द कॉम्पिटिशन फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द नियर बाय प्लांट्स एंड अलाउ गुड एयर सर्कुलेशन। यानी कि थीनिंग से क्या होगा, प्रॉपर ग्रोथ मिलेगी आपके प्लांट को, कंपटीशन जो होगा वाटर न्यूट्रिएंट्स का जो कि नियर बाय प्लांट्स के बीच में हो सकता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और एक प्रॉपर एयर सर्कुलेशन मिलेगा जिसकी वजह से आपको एक हेल्दी प्लांट मिलता है और एक प्रोडक्टिव हार्वेस्ट मिलती है। ठीक है, तो थीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब भी आप कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं, और पॉट के अंदर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पॉट में एक तो स्पेस वैसे ही कम होता है और आप वहाँ पे अगर थीनिंग नहीं करोगे तो इतने सारे प्लांट्स एक ही पॉट में, वो भी बहुत पास पास, तो उससे ग्रोथ भी कम, ग्रोथ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और जो प्लांट है उसको ना तो वाटर अच्छे से मिल पाता है, ना ही स्पेस मिल पाती है अच्छे से, और ना ही न्यूट्रिशन मिल पाता है और एयर सर्कुलेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसलिए थीनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थीनिंग में बेसिकली क्या होता है, जो नियर बाय प्लांट्स होते हैं यानी कि जो एक साथ बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं उनको रिमूव किया जाता है और एक एडिक्वेट स्पेस बीच में छोड़ा जाता है, यानी कि जिससे आपके हर एक प्लांट के बीच में एक थोड़ा थोड़ा स्पेस रहे और वो जो प्लांट है उसको प्रॉपर वाटर न्यूट्रिशन और एयर सर्कुलेशन हो सके और जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके, यानी कि एक हेल्दी प्लांट आपको मिल सके, क्योंकि लास्ट में आपका हार्वेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, जितने भी नियर बाय प्लांट्स हैं उन सभी को रिमूव किया जा रहा है और एक प्रॉपर स्पेस दी जा रही है इन सभी प्लांट्स के बीच में, और 5 to 6 प्लांट जो है रखे जाते हैं। उसके बाद जब ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे इसमें से भी हम प्लांट्स जो हैं सेलेक्ट करते हैं और लास्ट में 4 या 5 प्लांट, जैसे अभी हमने 7 प्लांट छोड़े हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 या 4 प्लांट्स जो हैं, अच्छे अच्छे प्लांट जो हैं वो रखते हैं।